इन्फिनिक्स 030 वर्सेस आईक्यू G7 प्रो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज किस वीडियो पर देखेंगे 25,000 के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक लाइक भी कर दीजिए। तो पहले दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो आईक्यू के पीछे आपको टोटली ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है और इन्फिनिक्स की बात करते हैं तो इसके दो वेरिएंट है। जो ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है इसके पीछे आपको लेदर बैक देखने के लिए मिलता है और जो गोल्ड कलर वाला ऑप्शन है इसके पीछे आपको ग्लास देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाता है। और अगर आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो दोनों फोन के अंदर आईपी रेटिंग मिलता है। इन्फिनिक्स के अंदर IP53 का रेटिंग और आईक्यू के अंदर IP52 का रेटिंग मिलता है, मतलब थोड़ी बहुत पानी के छींटे और धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करने वाला है। और अगर वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 का वेट है 183 ग्राम, थिकनेस है 7.9 mm। आईक्यू G7 प्रो का वेट है 174 ग्राम, थिकनेस है 7.36 mm। तो पर दोनों फोन काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा स्लिम है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइट और सबसे ज्यादा स्लिम है आईक्यू G7 प्रो। और उसके बाद अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर सभी सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं और दोनों फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों फोन सेम है। और उसके बाद अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 के अंदर डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं DTS ऑडियो के साथ और आईक्यू के अंदर सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। तो पर नो डाउट ऑडियो क्वालिटी के अंदर इन्फिनिक्स बेटर है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 के अंदर 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कार्ब्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ, 950 निट्स का ब्राइटनेस, HDR10 और 10 बिट पैनल देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया है। और आईक्यू G7 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कार्ब्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, 1300 निट्स का ब्राइटनेस, HDR10 का सर्टिफिकेशन, 10 बिट पैनल इसके अंदर भी यूज किया गया है और इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन देने के लिए शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का यूज किया गया है। तो नो डाउट दोनों फोन का डिस्प्ले आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए तो फिर आपके लिए इन्फिनिक्स 030 बेटर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल दोनों फोन का जो डिस्प्ले है आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, डिस्प्ले के अंदर कोई कमी नहीं है। बैटरी की बात करते हैं, इन्फिनिक्स 030 के अंदर 5000 एमएच की बैटरी के साथ 68 वाट की चार्जिंग देखने के लिए मिलता है और आईक्यू G7 प्रो के अंदर 4600 एमएच की बैटरी के साथ 66 वाट की चार्जिंग देखने के लिए मिलता है। तो नो डाउट एवर बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में इन्फिनिक्स बेटर है। और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 देखने के लिए मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और इसके अंदर तो स्कोर लगभग आपको 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। और आईक्यू G7 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और इसके अंदर तो स्कोर भी आपको लगभग 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं पर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो पर दोनों फोन का जो परफॉर्मेंस है लगभग आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, 18-20 का फर्क देखने के लिए मिलेगा। हल्का सा ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलता है आईक्यू का प्रोसेसर, लेकिन अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो, हैवी यूजर हो, तो पर दोनों फोन के अंदर आप आराम से हाई सेटिंग्स पर गेम्स वगैरह खेल पाएंगे, परफॉर्मेंस दोनों फोन का काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद अगर UI की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर Android 13 देखने के लिए मिलता है, इन्फिनिक्स के अंदर XOS देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने के लिए नहीं मिलता, इन्फिनिक्स के खुद के ऐप्स देखने के लिए मिलता है। और अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो पर 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और आईक्यू G7 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर फंटा चॉइस देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आपको काफी सारे ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। साथ ही में 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल दोनों फोन का जो UI है आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलता है, UI के अंदर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स 030 के अंदर 14 5G बैंड्स देखने के लिए मिलता है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है और इसके अंदर आप 2 नैनो सिम कार्ड यूज कर पाएंगे, साथ ही में NFC का भी सपोर्ट मिलता है। और आईक्यू G7 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर 10 5G बैंड्स मिलता है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, 2 नैनो सिम कार्ड इसके अंदर भी यूज कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों फोन का कनेक्टिविटी आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा 5G बैंड्स चाहिए साथ ही में NFC भी चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए इन्फिनिक्स बेटर होने वाला है, आप देख सकते हो।
और उसके बाद मेन चीज कैमरे की बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 के अंदर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है OIS के साथ, जो कि सैमसंग HM6 सेंसर है। साथ ही में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो आप बैक कैमरा से 4K 60fps पर वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही में अल्ट्रा वाइड लेंस की मदद से भी आप 4K 30fps पर वीडियो शूट कर पाएंगे और सेल्फी कैमरा की मदद से भी आप 4K 60fps पर वीडियो शूट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो खतरनाक कैमरा सेटअप दिया गया है। और iQOO Z7 Pro की बात करते हैं तो इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जो कि सैमसंग GW3 सेंसर है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो आप रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और सेल्फी कैमरा से Full HD तक 30fps पर वीडियोस रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो नो डाउट यहाँ पर iQOO का जो कैमरा है आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा बेटर कैमरा चाहिए, उससे भी ज़्यादा बेटर वीडियोग्राफी चाहिए, आप ब्लॉग वगैरह शूट करते हो, आपको रील्स बनाने का शौक है, आपको सेल्फी कैमरा बेटर चाहिए, सेल्फी के अंदर 4K 60fps चाहिए और रियर कैमरा में भी 4K 60fps चाहिए, अल्ट्रा वाइड लेंस की मदद से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो नो डाउट एवर इन्फिनिक्स 030 का जो कैमरा सेटअप है काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए इन्फिनिक्स 030 बेटर होने वाला है। और उसके बाद प्राइस एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो पर इन्फिनिक्स 030 का दो वेरिएंट है। 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 24,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है, 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 25,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है। और iQOO Z7 Pro की बात करते हैं तो इसका भी दो वेरिएंट है, 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 24,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है, 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 25,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं पर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, किनको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आपको इन्फिनिक्स का डिज़ाइन पसंद आया है, साथ ही में आपको बड़ा बैटरी चाहिए, डुअल स्पीकर चाहिए, मतलब बेटर ऑडियो क्वालिटी चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए और सबसे मेन चीज़ अगर आपको बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए, सेल्फी कैमरा भी बेटर चाहिए, 4K रिकॉर्डिंग चाहिए और आपको कम प्राइस के अंदर ज़्यादा रैम रोम चाहिए, तो आपके लिए इन्फिनिक्स 030 बेटर होने वाला है। लेकिन अगर आपको iQOO का फ़ोन पसंद आया है, साथ ही में आपको एक हल्का पतला सा फ़ोन चाहिए और हल्का सा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके लिए iQOO Z7 Pro बेटर होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इन्फिनिक्स 030 ही देखने के लिए मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।